नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में लावारिस बैग में मिला बम, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस ने की बड़ी साजिश नाकाम। सीएम केजरीवाल ने 100 ई बसों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली वालों का सफर हुआ और आसान। शराब के शौकीनों को आप सरकार ने दिया तोहफा, घर बैठे लगा पाएंगे शराब की दुकानों का पता और शराब का भी प्राइस। कोरोना कहर के बीच दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने का सरकार का फैसला, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताई वजह। और दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही बढ़ी एम्बुलेंस की भी डिमांड। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जी हां, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। जैसे ही बम की सूचना मिली तो यहां पर दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने बम को निष्क्रिय कर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में शुक्रवार सुबह एक लावारिस बैग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। बैग के अंदर बम होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर मार्केट को खाली करा लिया है और बैग के अंदर मिले संदिग्ध सामान की जांच कर रही है। कथित तौर पर पुलिस के साथ ही एनएसजी और आईबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये कुछ नहीं देखा, मिहाई दुकान लगती है, जो भी सामान लेते हैं, कस्टमर आया कर उसने सामान लिया, सामान लेने के बाद कस्टमर आया, गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने सामान लिया, सामान लेने के बाद वो चला तो उसकी गाड़ी पे बैग था। उसने कहा कि ये किसका बैग है, तो पता नहीं किसका है, तो उसने उठा के एक साइड में रख दिया। बैग किस पे रखा हुआ था? स्कूटी पे। जो स्कूटी पे था आपने देखा था, कोई बंदा था स्कूटी पे लेकर आया था, कुछ मालूम है आपको? नहीं नहीं, ऐसा हमने, क्योंकि हम अपनी दुकान से मतलब रखते हैं। तो आपके दुकान से कितने दूर पे था ये बैग? थोड़ी दूर था वे। तो बैग किस कलर का था कुछ मालूम है आपको? नहीं, ऐसा नहीं देखा। पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पे जब कॉल मिलने? पुलिस थोड़ी देर बाद आ गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 10:20 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी। एहतियात के तौर पर सारे एसओपी को फॉलो करवाया जा रहा है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह। दिल्ली वासियों के सफर को सुगम बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों को 100 और सीएनजी बसों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट बस डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये तमाम 100 बसें धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग एरिया में चलने शुरू हो जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के लोगों का सफर और सुगम हो जाएगा। आपको दिखाते हैं इन बसों में क्या कुछ खास है और इन बसों को जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली वालों को 100 सीएनजी बसों का तोहफा मिला है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। धीरे धीरे सभी 100 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी और दिल्ली वालों के सफर को आसान बनाएंगी। क्लस्टर सेवा के तहत आ चुकी ये बसें सड़कों पर जल्द ही रफ्तार भरती दिखेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो से आज इन्हें जनता को समर्पित कर दिया है। इसके जुड़ने से दिल्ली में बसों की संख्या कुल मिलाकर 6782 से बढ़कर 6882 हो जाएंगी। आज हम लोगों ने 100 एसी लो फ्लोर बसेस को शुरू किया है, उनका उद्घाटन किया है और ये आज से दिल्ली की सड़कों के ऊपर चलनी चालू हो जाएगी। हिमन हेड़ा में नया बस डिपो बनाया गया है, वहाँ पे ये रहेंगी और मोस्टली रूरल रूट्स के ऊपर ये बसें चलेंगी। तो इन एसी लो फ्लोर, 100 एसी लो फ्लोर बसेस के इंडक्शन के बाद दिल्ली के अंदर टोटल लगभग 6900 बसेस अब चल रही हैं। ये अभी तक का जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा बसेस हैं। मैक्सिमम कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बसेस हुई थी, जो कि लगभग 6000 के करीब उस टाइम फ्लीट थी दिल्ली में।
अब ये 6900 पे पहुंच गई है और अभी भी बसेस का आना चालू है। हम और भी कई बसेस खरीद रहे हैं, आने वाले समय में सीएनजी बसेस भी आने वाली है, डीटीसी की अपनी बसेस भी आने वाली हैं और इलेक्ट्रिक बसेस भी अभी काफ़ी आने वाली हैं। तो हमारा मकसद है कि धीरे धीरे बसेस आने में टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं हो सकता, बसेस का टेंडर और वो सब उसमें समय लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। और जब हमारी सरकार बनी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, कई साल से बसों की खरीद हुई नहीं थी, उसके बाद से जब प्रोसेस चालू किया गया तो इसमें समय लगा है और अब बसेस का आना चालू हुआ है। तो हम कमिटेड हैं कि दिल्ली के अंदर बस ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों को अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ बसेस मिल सके। सर, इलेक्ट्रिक बसेस की क्या स्थिति है उनको? वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सड़कों पर लाई जा रही नई बसों में GPS, पैनिक बटन, CCTV, आपातकाल के दौरान लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। BS6 कैटेगरी की बसें होंगी और दिव्यांग जनों के लिए रैंप की सुविधा भी होगी और महिलाओं के लिए पिंक सीट होगी। बता दें कि कैलाश गहलोत ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां जहां बसों की कमी की परेशानी सामने आ रही है उन सभी जगहों को नई बसों से कवर किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही DTC की एक इलेक्ट्रिक बस को ट्रायल के तौर पर ITU के आसपास चलाया जाएगा। जिन 9 बस रूट पर इन बसों को चलाया जाएगा उनसे ग्रामीण और बाहरी दिल्ली के इलाकों को भी कवर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने शराब का सेवन करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकारी वेबसाइट पर शराब की दुकानों के नए पते और इनके प्राइस को अपडेट कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब दिल्ली का कोई भी नागरिक किसी भी एरिया में बैठकर उस एरिया में खुली हुई शराब की दुकानों की संख्या और उस दुकान पर शराब का क्या प्राइस है ये आसानी से जान सकेगा। राजधानी में शराब का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली वालों को शराब की दुकानों का पता लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। अब दिल्ली के आबकारी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर शराब के दुकानों की अपडेटेड लिस्ट और उसके पते जारी कर दिए हैं। इसके जरिए शराब के शौकीन ग्राहकों को घर बैठे ही राज्य में खुली नई और पुरानी शराब की दुकानों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। इसके लिए बस आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस वाले टैब पे सेलेक्ट करना होगा। वहां दिख रही कैटेगरी में प्राइवेट सेलेक्ट करना होगा। प्राइवेट सेलेक्ट करते ही आपके स्क्रीन पर सभी 543 शराब दुकानों की सूची और उसके पते नीचे दिखने लगेंगे। इस वेबसाइट के जरिए दुकानों पर मिलने वाले अलग अलग शराब की कीमतों का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग की उसी वेबसाइट पर जाकर प्राइस लिस्ट वाले टैब को सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से उन होटलों और रेस्टोरेंटों के बारे में भी पता लगा सकते हैं जहां शराब मिलते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। शराब की दुकानों का साइज बढ़ा दिया गया है और सड़क की तरफ काउंटर नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी लोगों को डराने लगी है। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 30% को पार कर गई है, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई फिर से दिल्ली के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। जब यही सवाल पत्रकारों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा, तो ये आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सरकार नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लगातार पाबंदियां भी बढ़ा रही हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार लॉकडाउन को ना लगाने की बात कहते हुए पाबंदियां बढ़ा रही है। ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन के सवाल पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। पहले क्या था कि डेली बढ़ते जा रहे थे, 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे।
अब वो एडमिशन का रेट बढ़ना बंद हो गया है, तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये लगता है ये पॉजिटिव साइन है कि अब नए एडमिशन जितने कल थे, परसों थे, तीन दिन से, चार दिन से, चार पाँच दिन से लगभग सेम चल रहे हैं, तो ये दिस इज ए पॉजिटिव साइन। और देखो नंबर्स और पॉजिटिविटी, ये तो टेस्ट कितने हो रहे हैं, कौन लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो एडवांस इंडिकेटर कहते हैं वो एडमिशन्स ही हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स का जो मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट हो गए, अब प्लेटो आ गया है। सर थोड़ा इस बात को लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए कि लोग पाबंदियों को लेकर ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उनकी चिंताएं भी रहती है कि कहीं और पाबंदी तो नहीं लग जाएगी या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, खासतौर से जो मजदूर वर्ग होता है। नहीं, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है जी। सर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं इस लहर के पीक को लेकर के, आपके पास क्या फीड है सर इसको लेकर के, और क्या देखो मैं क्या कह रहे हैं सर? नहीं, एक्सपर्ट्स तो देखो अलग अलग, हर एस्पेक्ट का अलग कहना है, कोई कहता है फरवरी के मिड में आएगा, कोई कहता है दो हफ्ते में आएगा, कोई कहता है एक हफ्ते में आएगा, कोई एक लाख केसेस कहता है, दो लाख कहता है, तो वो तो सबके अलग अलग व्यू हैं। परंतु जो डाटा बता रहा है, जो डाटा इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि जब हॉस्पिटल में एडमिशन स्टैग्नेंट हो गए हैं तो इसका मतलब जल्द ही केस कम होने स्टार्ट होंगे। बता दें कि पाबंदियों में ढील देने के सवाल पर जैन ने कहा कि अगर दिल्ली में आने वाले दो से तीन दिनों में कोरोना के केस कम होते हैं तो अब तक कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इसके साथ ही कोरोना के पीक को लेकर उन्होंने कहा कि सीरियस केस कम आ रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही कोरोना के मामले कम हो जाएंगे। हालांकि सकारात्मकता दर से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि मामले चरम पर हैं या नहीं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर अगले दो से तीन दिनों में मामले कम होते हैं तो प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना केस बढ़ने के साथ ही दिल्ली में अब डेथ केस भी बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से राजधानी में अब एम्बुलेंस की डिमांड भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में फ्री एम्बुलेंस चलाने वाली कई स्वयंसेवी संगठनों का कहना है कि कोरोना के मामलों में पीक आते ही एम्बुलेंस की मांग भी बढ़ने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। एक बार फिर दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ने लग गई हैं, क्योंकि पिछले जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो जिस तरीके से देखा था कि सड़कों पर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिख रही थी, और एम्बुलेंस वाले काफ़ी जो है लोगों से, जो पेशेंट थे उनसे काफ़ी तादाद में पैसा भी ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो सेवा में भी लगे हुए थे, मानवता की सेवा में भी लगे हुए थे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से लोग सेवा में लगे हुए हैं, और इस बार जो कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के जो इस बार जो है एम्बुलेंस मैन किस तरीके से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं ये भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो एम्बुलेंस चला रहे हैं। सर कब से चला रहे हो एम्बुलेंस? मेरे को तकरीबन चार साल होने वाले हैं। चार साल हो गए। बिल्कुल निशुल्क? निशुल्क, फ्री सेवा। अच्छा, पिछले कोविड में जिस तरीके से लोगों की सहायता आप लोगों ने की है, क्या इस बार जो कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं फिर से कॉल आने शुरू हो गई हैं? हाँ, कोरोना के जो अभी आए केस है पर बहुत माइल्ड है, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे डेथ का रेट जो आ रहा है, मेरे को जो कॉल आती है वो एक दो है। डरने वाली तो कोई बात ऐसी नहीं लगी, क्योंकि मैं पिछले दो साल से ये कोरोना का आ रहा है, वैसे चार साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ, पिछले दो साल से मैं ये कोरोना पेशेंट को अपने हाथ से उठा के ले जाता हूँ और करता हूँ, संस्कार करता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मेरी तो एक आदत ही हो गई, मुझे कुछ ऐसा महसूस भी नहीं होता। परिवार को डर लगता है या परिवार सपोर्ट करता है? परिवार पूरा सपोर्ट करता है। अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब बेटा भी चला लेता है एम्बुलेंस, तो वो बेटा एम्बुलेंस चला लेता है, मैं उसके साथ मतलब बॉडी उठा लेता हूँ, उसके हेल्प ले लेता हूँ। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है, घर में भी सब तैयार है मेरे साथ हेल्प करने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरी वाइफ को दिक्कत है, ना मेरे बच्चों को दिक्कत। पड़ोसियों को ऐतराज़ तो होता होगा जब आप कोरोना के, जब पिछला अगर बात करें और अभी फिर शुरू हो गया है, तो अगर कोविड से जाते हैं आप तो जो पड़ोस आस पड़ोस वाले होते हैं उनको दिक्कतें होती हैं? हाँ, वो थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा सा दूर करते हैं कि ये एम्बुलेंस चलाते हैं और कोविड पेशेंट लेके आते हैं, इनकी वजह से, इनकी फैमिली की वजह से हमें हो जाएगा। इसके कारण मैंने ना पिछले जो कोविड का समय था अपना अलग से फ्लैट लेके दूसरे फ्लैट में रहा था मैं। लेकिन देखा गया है कि पिछले दौरान जिस तरीके से एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस वालों ने बहुत सारे पैसे लिए हैं पेशेंट से, बहुत ज़्यादा, किसी का बिल 40,000 रुपये का, कोई 10 किलोमीटर।
क्या ऐसा करना चाहिए एम्बुलेंस वालों को? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, जब किसी मजबूरी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पर मेरे को जब लोग फ़ोन करते थे वो ये कहते थे कि आपको फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब पैसे वाली तो मिल नहीं रही, पैसा खर्चने के बाद आपकी फ्री वाली कैसे मिल जाएगी, तो वो मुझे कॉल करते थे पर मैं उनको अटेंड करता था। पिछले जो लास्ट टाइम जो बहुत कोरोना जब गया उसके अंदर मैंने लास्ट 21 से 23 लाशें एक पर डे की मैं शमशान छोड़ के आया हूँ। तो माना जाए कि अब फिर जो है फ़ोन आने आपके पास शुरू हो गए हैं? हाँ, फ़ोन आने तो शुरू हो गए, पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं मेरे को, मैं जा रहा हूँ, मतलब जिस हिसाब से एक दो आ रहा। पर जो मर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कोविड से, उनके अंदर कुछ और बीमारी भी थी उसकी वजह से, जैसे किसी को टाइफाइड था, किसी को अपना पहले से प्रॉब्लम ज़्यादा थी, कोई कैंसर मरीज था, वो ऐसे लोग ज़्यादा मर रहे हैं। मतलब ऐसे एक तंदुरुस्त आदमी वाला ऐसा केस मैंने अभी तक देखा नहीं। तो बिल्कुल जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब जो एम्बुलेंस की जो कॉल्स हैं वो भी जो है बढ़ने लगी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नाउ द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।